दोस्तों मैं सोच रहा था क्यों ना डिस्कर्शन करें ऐसे ही घूमते फिरते। जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ है मेष राशि में, तो क्या रिजल्ट रहेंगे अलग अलग राशि वालों के लिए या कह लो लगन वालों के लिए। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जिसे कहेंगे इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, उसके हिसाब से तो जो राशिफल है राशियों से ही देखा जाता है और उसी से रिजल्ट्स जो ज़्यादा बेटर आते हैं। हम बेकार में ही कंफ्यूज रहते हैं कि लगन से देखें या राशि से। राशि से ही ये रिसर्च की गई थी, जो ट्रांजिट के प्लैनेट्स होते हैं उनकी रिसर्च राशि बेस्ड है, लगन बेस्ड नहीं है। तो आजकल क्या होता है कि नए नए एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं और उनके अपने ही नए नए फंडे हैं और उन फंडों के ऊपर कोई रिसर्च नहीं की गई है। बस मेरा जो दिल कर रहा है मैं मतलब बोले जा रहा हूँ, बकवास करे जा रहा हूँ, और जो रिसर्च है उनको मैं गलत ठहरा रहा हूँ। आजकल ये चल रहा है, खासकर इंटरनेट पे तो यही चल रहा है। मतलब जितने भी नए नए एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं मेरी तरह नौ सीखिए, वो हर किसी एक जो काफ़ी टाइम से चली हुई कोई रिसर्च होती है उसको रॉन्ग बता देते हैं, कहते हैं जी गलत है। भाई तू गलत बता रहा है तो तेरे पास भी तो उसको गलत बताने के लिए रिसर्च होनी चाहिए ना। बस वैसे ही गलत है, या तो तेरे पास रिसर्च होनी चाहिए उसकी, उन्हें PhD कर ली है ना, किसी टॉपिक पे रिसर्च कर लिया तो उसके पेपर्स दिखाओ अगर तूने साबित किया गलत है। बस ऐसे ही कैमरा उठाया, मुंह उठाया, बोल दिया। तो हम चल रहे थे, ठीक है, हम एक एडिशनल कोई बात कह सकते हैं कि भाई मैंने ये ऐड किया है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जो ऑलरेडी रिसर्च किया गया वो गलत है, ठीक है। तो गुरु मेष राशि में, तो मेष राशि से बात करते हैं, इसको हम एज ए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम सीख ही रहे हैं सब, तो सीखना तो ज़िंदगी भर होता है। लगन पे भी हम लगा कर देखेंगे कितना अप्लाई होता है कितना नहीं, लेकिन राशि से रिसर्च के आधार पर जो पुरानी रिसर्च है तो ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए पहले बात करते हैं और टुकड़ों में बात करेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा, घूमते फिरते चलते उड़ते, है ना। तो आपको मैं बताता रहूँगा, अभी तो कार पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रही है, एक मिल गई है, चलो यहाँ पर ही सेट कर देते हैं। तो दोस्तों लगन में गुरु इज ऑलवेज गुड, आपका लगन में गुरु आ गया मेष राशि वालों के लिए, सॉरी मेष राशि वालों के लिए राशि में, सॉरी नॉट लगन, पहले घर में राशि के हिसाब से मून के साथ गुरु आ गया है। तो व्हाट डज इट मेक, गज केसरी राजयोग, इट फॉर्म्स गज केसरी राजयोग व्हेन मून कम्स, सॉरी जुपिटर कम्स विद द मून एंड दैट इज द फर्स्ट हाउस ऑफ द मून साइन, और कहेंगे चंद्र राशि, है ना। तो क्या रिजल्ट देगा भैया, पहला रिजल्ट तो उनके लिए बेस्ट है जो शादी करना चाहते हैं। गुरु बना रहे हैं मेष राशि वालों के लिए शादी का योग, और क्या क्या कर रहे हैं आगे चलते हैं, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा गर्म है गाड़ी, इसलिए विंडोज खोल रखी है, एसी भी चलाया है, कितनी देर में ठंडी होगी। दोस्तों एक्सरसाइज खत्म करके अब मैं जा रहा हूँ घर। तो हम बात कर रहे थे मेष राशि वालों की, भैया सबसे पहले तो जिन्होंने शादी करनी है वो खुश हो जाओ, क्योंकि मेष राशि वालों की शादी इस साल होने पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, मतलब हो जाएगी, योग बन गया। गुरु की जब भी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है तो शादी का योग बनता है, जिस भी साल सप्तम भाव को गुरु देखेगा, ठीक है, या गुरु खुद सप्तम भाव में आ जाएगा आपके ट्रांजिट में गोचर करते हुए, आपकी शादी का योग बनेगा। तो मेष राशि वालों के लिए शादी के लिए बढ़िया योग है,
रिलेशनशिप भी बन सकता है, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी, जिनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे वाइफ से उनके लिए भी खुशखबरी है, उनके रिलेशन भी इम्प्रूव होंगे। तो भैया झगड़े वगड़े करना छोड़ो और लाइफ में इंजॉय करो अपने अपने जो है लाइफ पार्टनर्स के साथ। सेकंड चीज़ जो मेष राशि वालों के लिए है वो है एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में मतलब मेष राशि में सूर्य है तो वो फिफ्थ हाउस को देखेगा और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बच्चों का जो रिजल्ट वगैरह आएगा वो इस साल में बहुत अच्छा करेंगे। जो बच्चे कोई प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया इस साल में करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है, राहु कनेक्ट कर रहा है जुपिटर से, तो बेसिकली राहु रिप्रेजेंट करता है इंजीनियरिंग वगैरह को, मेडिकल साइंस को, तो मेडिकल वालों के लिए भी अच्छा है ये। जो मेडिकल लाइन के जो बच्चे हैं उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे या प्रोग्रेस होगी। नाइन्थ हाउस को देख रहा है तो जो बाहर जाना चाहते हैं बच्चे हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन का भी है विदेश का भी है, तो उनका इस साल चांस बन रहा है। तो ट्राई करो, बनेगा चांस, एडमिशन्स मिलेंगे आपको। अब जो इसका और पॉजिटिव रिजल्ट जो आएगा मेष राशि वालों के लिए वो हेल्थ का आएगा, क्योंकि जब फर्स्ट हाउस में गुरु होता है तो ये वैसे भी ऐसा माना गया है कि एक राजयोग की तरह होता है, ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं इसके फर्स्ट हाउस के। तो राशि में आ रहा है आपकी तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। पीछे से एक कॉप आ रहा था, मैंने सोचा पता नहीं मेरे पीछे आ रहा है क्या, भूल गया। तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, जिनकी कोई हेल्थ इश्यूज चल रही थी अभी तक मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि ये अभी तक उनके 12वें स्थान में था, तो हेल्थ प्रॉब्लम 12वें स्थान में तो दी होगी 101%, है ना। जिनका भाई मोटापा बढ़ रहा था या फिर डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, हालांकि इन सब चीज़ों में और भी प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं, अकेला जुपिटर नहीं होता है, ठीक है। और तो उन लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। बीमारी में जो है आप ट्रीटमेंट आपका काम करेगा और आप ठीक हो जाएंगे इस साल। मतलब जुपिटर का जो रिजल्ट आएगा आपके लिए उसके हिसाब से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स घटेंगी पड़ेंगी नहीं, और जिनको नहीं थी प्रॉब्लम्स उनकी हेल्थ और अच्छी जाने वाली है, ठीक है। और क्या रिजल्ट देगा मेष राशि वालों के लिए, या जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि सप्तम भाव जहाँ पे गुरु देख रहा है तो सप्तम भाव से जो रिजल्ट आएंगे उनको इंक्रीज भी करेगा, क्योंकि गुरु जहाँ दृष्टि डालता है उस चीज़ को एक्सपेंड भी करता है, गुरु बढ़ाता भी है, तो आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा जो बिजनेस में है। लेकिन ध्यान रखें राहु है भैया, राहु साथ बैठा हुआ है तो धोखेबाज लोगों से सावधान रहना, मिलेंगे बहुत। लेकिन एक चीज़ है राहु के बैठने से एक चीज़ पॉजिटिव भी होगी कि आप लोगों को ये बना देगा बहुत शार्प, आप इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं ना गुरु चंडाल योग क्या होता है, बेसिकली गुरु चंडाल योग को मैं कभी भी ख़राब नहीं मानता हूँ। ये आपके अंदर एक ऐसी पावर डालता है कि आप अच्छे बुरे की पहचान इजीली कर लेते हैं, और अगर आप गलत रास्ते में जाओगे तो ये डेफिनेटली ख़राब ही होगा, क्योंकि आप जो है ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन जाओगे, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान भी करोगे। लेकिन मैं वो चीज़ आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको कहूँगा कि भाई अपने फ़ायदे के लिए यार किसी का नुकसान मत करो, मतलब वो पैसा या वो कमाई तो किसी काम की भी नहीं है, वो फिर गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपके घट जाएंगे फिर, है ना। क्योंकि होता क्या है कि हमारे जो रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलने होते हैं, हम क्या करते हैं जब पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई हम जो भी कर रहे हैं ना सब में हमको सक्सेस मिल रही है, तो मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ इसलिए मेरे को सक्सेस मिल रही है, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए चोरी चकारी मतलब बिजनेस के अंदर चीटिंग करना या हेरा फेरी करना ये सब स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहेंगी इस बार। क्यों रहेंगी, क्योंकि राहु कनेक्ट हो गया, राहु चलाकी देगा, राहु कहेगा भाई तू अपना सोच दुनिया की भाड़ में, ठीक है। तो जो गुरु की अच्छाई को होता है ना उसको राहु हाईजैक कर लेता है। तो भैया
आपने वो चीज़ नहीं करनी है। लेकिन क्यों नहीं करनी है कि अगर आप वो चीज़ करोगे तो भैया गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट्स कम हो जाएंगे, फिर राहु ही राहु हावी हो जाएगा, फिर एंड में जाके ये ना लगे कि यार मैंने गलती कर दी, फिर राहु के रिजल्ट्स ज़्यादा आएंगे, फिर उसमें आप परेशानी में भी फंस सकते हो। खासकर जो इनलीगल कामों में इन्वॉल्व है, तो भैया आप सावधान रहना, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, मैं घर पहुँच गया हूँ।